कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज आठवां दिन है। वहीं कृषि विधेयकों को लेकर देश में राजनीति तेज है। विपक्ष जोरदार ढंग से नए प्रावधानों की मुखालफत कर रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के देवास जिले के बधावा के किसान कमल पटेल का, जिन्हें सोयाबीन की बिकवाली पर प्रति क्विंटल 200 से 400 रुपए का मुनाफा हुआ है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच लगातार वार्ताओं का दौर जारी है। इसी बीच बिल को लेकर जमीनी स्तर पर किसानों के रुझान की वानगी को बयां करती ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बधावा के किसान कमल पटेल की। ये जो नया संशोधन कृषि बिल आया, इसके कारण ये संभव हो पाया। और ये नए बिल आने के कारण अच्छी मदद मिली है किसानों के लिए। ये मददगार बिल है और इसके कारण दाम भी अच्छे ऊंचे मिल रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ ITC का हब खुला है और हब खुलने के कारण किसानों को अच्छे भाव मिल रहे हैं। मंडी से 200-300 रुपये क्विंटल ज़्यादा मिल रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के बीच में कहीं ना कहीं इनकी कीमतों में वृद्धि होगी। इस बिल के आने से किसान भाई अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है ना, तो कहीं ना कहीं किसान के हित में है। दरअसल किसान कमल पटेल और हरिओम पटेल द्वारा ITC पर अपनी फसल बेची गई। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल को किसान हितेशी बताते हुए कहा कि किसानों को ITC में फसल बेचने पर 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हो रहा है, जबकि एक ट्रॉली पर लगभग 5,000 से 10,000 तक का फायदा हो रहा है। किसान ने बताया कि ये किसान बिल आने के कारण ही संभव हो पाया, जिससे आज हम लोगों को समय के साथ साथ तोल कांटे का पैसा नहीं लग रहा। साथ ही कहीं ना कहीं हमें डर या भय बना होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक तोल के कारण हमारी पूरी उपज सही मात्रा में तोल ली जा रही है। वहीं हमें भुगतान के लिए भी भटकना नहीं पड़ रहा। इस संस्था खुली, इसमें 200 रुपये क्विंटल के भाव ज़्यादा मिले हैं। कौन सी संस्था? ITC। क्या पहले आप मंडी ले गए थे? जी हाँ। तो वहाँ क्या भाव मिला लगभग? वहाँ 3,700। और यहाँ आपको क्या भाव मिला? 4,000। 4,000 मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आपको फायदा है? जी है ना, ये फायदा हो रहा। क्या फायदा? माल दिया है 200-300 क्विंटल का फायदा मिल गया। पहले क्या होता था? पहले जो रेट चलता उसी में हम देते थे, मजबूरी थी, जो भाव मंडी रखती थी, इसलिए किसान देता। अब अपनी फसल को आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? कहीं भी ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार के बिलों से कहीं ना कहीं किसानों को तो फायदा होता नजर आ रहा है, और जब बाकी कंपनियां इस मैदान में उतरेंगी तो उससे और ज्यादा किसानों को लाभ होगा। बहरहाल किसानों को प्लांटेशन के रेट से भी ज्यादा रेट सोयाबीन का ITC के माध्यम से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN भारत, देवास।